सबसे पहले इस सफर की शुरुआत करते हैं और स्टार्टिंग में सबसे पहले हम कुछ चीजों पे चर्चा कर लेते हैं, ग्रहों पे, एंड देन वी मूव टू दी बीएनएन के रूल्स के ऊपर। सूर्य ग्रह की बात करते हैं, सूर्य और चंद्रमा दो की ग्रह की बात करेंगे, बाकी ग्रहों की आगे बात करेंगे क्योंकि लंबा टॉपिक हो गई है। सूर्य और चंद्रमा पे बात करके देन वी मूव टू दी रूल्स ऑफ द बीएनएन। सूर्य की बात करते हैं, सूर्य के बारे में सबको पता है, सूर्य ऊर्जा का कारक है, आत्मा का कारक है, प्रथम भाव का स्थायी कारक है, बीएनएन के परस्पेक्टिव से पिता का कारक है, पुत्र का कारक है, ठीक, चिकित्सा का कारक है, दवाओं का कारक है, क्योंकि कहानी के माध्यम से व्यक्त करने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि शनि इसका शत्रु है, शनि रोगों का कारक है और इसका अपोजिट है, तो सूर्य जो है चिकित्सा का और दवाओं का कारक है। रोग प्रतिरोधक क्षमता का कारक है। अब मंगल का मित्र होने के कारण और ज्यादा बढ़ जाती है, राजा होने के कारण राजनीतिक है, शक्ति आत्मबल भरपूर है, पितरों का कारक है। भगवान श्री शंकर का कारक है क्योंकि कल्याण करना, कल्याण में रहना, कल्याण देना सूर्य का दायित्व है, जगत पिता है सूर्य, सूर्य जगत पिता है। सूर्य का अगर हम परिचय थोड़ा सा जाने, आपने सुना यमराज, मनु और शनि, ये तीनों ही पुत्र सूर्य के पुत्र माने गए हैं, यमराज, मनु और शनि। अश्विनी कुमार भी सूर्य के पुत्र माने गए हैं और यमुना सूर्य की पुत्री मानी गई है। विश्वकर्मा जी की पुत्री जो कल हम संध्या था, उनसे सूर्य देव का विवाह हुआ और जिसके मिलन से जो संध्या मतलब छाया, और जिसके मिलन से अंधेरा यानी शनि देव की उत्पत्ति हुई। सूर्य के रथ पे, किसी का बैकग्राउंड वॉइस है प्लीज बंद कर दीजिएगा, सूर्य के रथ पे एक पहिया समय को दर्शाता है, फल को दर्शाता है, और समय और फल जो है भूत भविष्य वर्तमान, इन तीनों को सूर्य के पहिये, रथ के जो पहिये वो दर्शाते हैं। और रथ में बने सात घोड़े सातों वार समय को दर्शाते हैं, सातों रंग, सूर्य में सात किरणें होती है ना, वो क्या बोलते हैं उसको, इंद्रधनुष काइंड ऑफ रेनबो, रेनबो, रेनबो अंग्रेजी का वर्ड, सुंदर वर्ड, थैंक यू। सूर्य की माता अदिति, हमने वास्तु में पढ़ा कई बार, सबने पढ़ा, और अदिति ऋषि कश्यप की अर्धांगिनी मानी गई है। ये सूर्य की थोड़ी सा संक्षिप्त परिचय था जो हमारे को जीवन में धीरे धीरे जगह जगह काम आएगा कि वाई सूर्य इज सो इम्पोर्टेंट, और उसका शनि के साथ क्या इम्पैक्ट, उसके साथ जब हम आगे जाएंगे रेमेडीज में तो हमें काम आएगा। और चंद्रमा की बात कर लेते संक्षिप्त में, चंद्रमा भावनाओं का कारक है, भोजन, जल, वनस्पति, समुद्र, औषधि, स्त्री, सच्चाई, सिंचाई, सिंचाई एग्रीकल्चर की सिंचाई, कानून, कला, तालाब, इन सब का कारक चंद्रमा माना गया। चंद्रमा पोषक है, चंद्रमा पोषक है, तो पोषक को पार्वती माता से रिलेट किया गया कि पार्वती माता को संसार चलाने का भी दायित्व दिया गया, तो पार्वती माता से लेट किया गया, पोषक मतलब पालन पोषण। चंद्रमा की गति बहुत तीव्र है तो चंचल है, तो यात्रा का कारक भी माना गया। चंद्रमा लिक्विड मनी का कारक माना गया, मौसी का कारक माना गया,
तो यहाँ पे दूध का कारक भी, दूध माता दूध कनेक्टेड, तो माता दूध का पालन पोषण से कनेक्शन, तो माता दूध पालन पोषण कारक बनाएगा। चंद्रमा विवाह उपरांत खासतौर से फीमेल की पत्नी में सास का कारक बनता है, क्योंकि सास मां सम्मान ससुराल में। चंद्रमा विदेश यात्रा फल दुगंध सिल्क कपास ठीक शीतलता कला स्त्री चंद्रमा की इससे पहले दश प्रजापति जी की 27 पुत्रियां थी, उन 27 पुत्रियों का विवाह चंद्रदेव से हुआ और जो कि 27 नक्षत्रों के नाम से जाने गए। दश प्रजापति जी की एक और पुत्री थी जिसका नाम था रति, जिसका विवाह कामदेव से हुआ, और दश प्रजापति जी की एक और पुत्री थी जिसका नाम था सती, जिसका विवाह भगवान श्री शंकर से हुआ। चंद्रमा की उत्पत्ति समुद्र मंथन से हुई। समुद्र मंथन में बहुत सारी चीजें मिली, उनमें दो चीज थी, एक विष और लक्ष्मी माता जी। तो लक्ष्मी माता और विष और अमृत, इन तीनों का कनेक्ट समुद्र चंद्रमा से डायरेक्ट बना। तो लक्ष्मी माता एक प्रकार से चंद्रमा की बहन कहलाई। तो लक्ष्मी माता भगवान श्री विष्णु की अर्धांगनी, तो भगवान श्री विष्णु के साले भी कहलाए। प्लीज अपनी ऑडियो बंद करें। अब चंद्रमा चंद्रदेव की चंद्रदेव के साथ विष और अमृत दोनों कनेक्टेड है। चंद्रदेव एक जगह पे अमृत भी है तो एक जगह पे विष भी है, और ये बात आपको सबको पता, सारे ज्ञानी लोग बैठे हैं, जब शनि के साथ मिलते हैं तो विष बनते हैं और जब गुरु के साथ मिलते हैं तो अमृत वाला काम भी होता है, ये सब ज्ञानी लोग बैठे हैं। चंद्रदेव चंद्रदेव को शाप प्राप्त हुआ दश प्रजापति के माध्यम से, जब उन्होंने अपनी उनकी पुत्रियों पे ध्यान नहीं दिया, जो सब कहानियों में चर्चित है कि रोहिणी पे ज्यादा ध्यान दिया, तो उनको शाप प्राप्त हुआ, जिससे उनकी जो आकर्षण था वो चला गया। चंद्रदेव ने भगवान श्री शंकर की तपस्या करी, भगवान श्री शंकर की तपस्या करने से उनको वर प्राप्त हुआ, उस वर के माध्यम से 15 दिन जो है शुक्ल पक्ष के माने गए, 15 दिन कृष्ण पक्ष के माना गया, और जो शुक्ल पक्ष के 15 दिन माने गए चंद्रमा को मिले, वो परोपकार के रूप में मिले, बेसिक जो उन्होंने भगवान श्री विष्णु की जो उन्होंने तपस्या करी उसके माध्यम से। इसलिए चंद्रमा के जो 15 दिन होते हैं शुक्ल पक्ष के वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि वो परोपकार के दिन है, उसके माध्यम से मिले उन्हें, और जो कृष्ण पक्ष के दिन है वो शाप है, इसलिए वो अशुभ हो गए। अब चंद्रमा के साथ चंद्रमा की 27 पुत्रियों से शादी हुई भगवान दश प्रजापति की, चंद्रमा के साथ कामदेव और भगवान श्री शिव शंकर जी का जो विवाह हुआ वो भी दश प्रजापति की पुत्रियों से हुआ, तो वो उनके साडू लगे एक प्रकार से। चंद्रमा फास्टेस्ट प्लेनेट माना गया और जल्दी जल्दी अपनी कलाएं बदलता है, तो 16 कला युग माने गए, जिसको भगवान श्री कृष्ण से नवाजा गया, सिर्फ भगवान श्री कृष्ण ही 16 कलाएं युक्त माने गए। ये चंद्रमा की
छोटी विशेषताएं हैं। इस विशेषता पे एक लंबा चैप्टर है जो कि रिमोट्स के फॉर्मेट में मैंने आपको दिया है, पहले वाली क्लास को मैंने शायद दे चुके हैं ऑलरेडी मेरी टीम, बट आपके पास भी आ जाएगा वो आगे नोट्स के माध्यम से। मंगलदेव की चर्चा और कर लेते हैं, मंगलदेव के बाद हम चलेंगे। मंगलदेव इज वेरी इंपॉर्टेंट, शक्ति और बल का प्रतीक मंगलदेव, पट्टों के मामला रक्त का मामले का कारक मंगलदेव, शक्ति जोश अनुशासन क्षमा साहस का कारक मंगलदेव। मंगलदेव को कार्तिक के भी माना गया और देवताओं का सेनापति माना गया। मंगलदेव को सेना पुलिस अधिकारी पराक्रम माना गया, ऐसा माना गया भगवान शंकर और भगवान माता पार्वती के मिलन से मंगलदेव की उत्पत्ति जो हुई वो कार्तिकेय के माध्यम से हुई, कार्तिकेय के नाम पे हुई। और इन्हीं के माध्यम से भगवान श्री गणेश की उत्पत्ति भी हुई जो कि बुद्ध माने जाते हैं। और आप लोग लाल किताब में पढ़ते हैं मंगल बद, बुध और मंगल युति समाती नहीं है, तो कहानियों के माध्यम से अगर आप देखें तो कार्तिक और गणेश जी में पढ़ती नहीं थी। ठीक, गणेश जी बहुत चतुर थे, बुध के कारक में जाएंगे तो वहां बात कर लेंगे वैसे। अब मंगलदेव जी हटीले थे, कार्तिक हटीले अनुशासन वाले थे, तो सबको पता कहानियों के माध्यम से जब पृथ्वी का चक्कर लगा तो कार्तिक देव पूरे चक्कर गए और गणेश जी ने शॉर्टकट मारा, सबको पता ये बात। तो यहाँ मंगल बद वाली कहानी लागू होती है। मंगल पति का कारक माना गया विग्रंदी के परस्पेक्टिव से, स्त्री की कुंडली में, और शुक्र का कारक, शुक्र माना जाता है पत्नी का कारक पुरुष की कुंडली में। यहाँ पे बात करते हैं स्त्री की कुंडली में, अगर स्त्री की कुंडली में मंगलदेव निर्बली हैं, वीक हैं, तो ये स्त्री के पति के विषय में आघात करेंगे। द पोजिशन ऑफ मंगल इन द प्लैनेट एज ए प्लैनेट इन द चार्ट ऑफ द लेडीज विल गिव यू डायरेक्शन हाउ इज योर हस्बैंड एंड सो द केस ऑफ वीनस, द पोजिशन ऑफ वीनस इन द चार्ट ऑफ मेल विल गिव यू डायरेक्शन हाउ इज योर वाइफ। मंगलदेव रथ के कारक है, रक्त हृदय का एक मजबूत स्थान है, हृदय का मन का, ये सूर्य चंद्रमा, हृदय सूर्य चंद्रमा मन, और लीवर के साथ कनेक्टेड है वह गुरुदेव, तो ये सारे आपस में घनिष्ठ मित्र हो गए, इनकी मित्रता स्ट्रांग है। रक्त जो है एक प्रकार से रक्त में लोहे का तत्व होगा। बैकग्राउंड वाइज कृपया बंद रखेंगे तो अच्छा होगा। जॉन जी सॉरी, रक्त में लोहे का तत्व होता है, एवरीबडी नो लोहा आयरन जो है रक्त के अंदर पाया जाता है, और ये शनि का प्रतीक है जिसके कारण शनि विग्रंदी के पर्सपेक्टिव से शनि को मंगल के साथ हम घोर दुश्मन की कैटेगरी में नहीं रखते, दे आर एनिमी बट दे आर नॉट स्ट्रॉन्ग एनिमी, क्योंकि जब रक्त की प्रॉब्लम आती है तो शनि काम आता है, यानी कि आयरन काम आता है, मेडिकल साइंस के माध्यम से आप सबको पता है कारण। और जब रक्त उबलता है तो ठंडा करने के लिए भी शनि काम आता है, इंस्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट शनि शत्रु भी माना गया। मंगल पुराणों के माध्यम से भूमि पुत्र माने गए, अब भूमि के कार्य भूमि भूखंड मिट्टी ईट अग्नि भट्टी आदि के कारक मंगल माने गए।
मंगल का ग्रह का जो आकार है वो पृथ्वी के आकार से बहुत ही मिलता जुलता है, तो उसका अगर देखा जाए तो पृथ्वी मंगल ग्रह भी लाल और पृथ्वी पे मिट्टी लाल तो मिलता जुलता है। अब मंगल जो है पार्वती माता के कार्तिक पुत्र भी माने गए और भूमि पुत्र भी माने गए, और पार्वती माता को अभी जैसे हमने बात किया था ऊपर, वो पालन पोषण हार बनी गई, यानी कि धरती की पालन पोषण हार। मंगल का जो शक्ति और बल है, कलात्मक तौर पर उनको हनुमान जी से रिलेट किया गया, इसलिए मंगलवार को हम हनुमान जी की उपासना करते हैं। मंगल को भारद्वाज कुल से उत्पन्न हुआ माना जाता है, भारद्वाज कुल से उत्पन्न हुआ माना जाता है, और कार्तिकेय अदरवाइज इनको माना गया है। मंगल का जो शस्त्र है ना वो भाला है, और हनुमान जी भी वो गद्दा लेके चलते हैं, भाले की तरह ही होता है वो भी करीब करीब। मंगल की दृष्टि बातकेश और मारक का प्रभाव करती है, ध्यान से समझना, मंगल की दृष्टि बातकेश और मारक का प्रभाव करती है, तो सूर्य की दृष्टि शोषक का प्रभाव करती है, तो चंद्रमा की दृष्टि पोषक का काम करती है, बुध की दृष्टि स्थापक का काम करती है, शुक्र की दृष्टि हर्ष का काम करती है, बृहस्पति की दृष्टि वृद्धि का काम करती है, ये फोन लेना, तो क्या बता था, किसकी दृष्टि थी, बृहस्पति की दृष्टि थी शायद, बृहस्पति की दृष्टि ग्रोथ का वृद्धि का काम करती है, तो शनि की दृष्टि बाधक और अवरोधक प्रभावशाली है। राहु की दृष्टि केतु की दृष्टि प्रदूषक संक्रामक इन्फेक्शियस जिसको बोल सकते हैं हम अंग्रेजी में, प्रभाव वाली है। एंड इफ यू सी मारक की दृष्टि मंगल की है, क्योंकि मंगल एक वो प्लेनेट है जिसके पास बल है मारक का, उसके पास वो प्रहार करने का, आघात करने का वो शस्त्र भी है, तो बुध मंगल की की क्या करती है, बुध की बुध की दृष्टि स्थापक है, यानी कि स्टैब्लिशमेंट स्थापक। और शुक्र की ठंडी है, मैं रिपीट करता हूं, मंगल की दृष्टि बातकेश अब बाधक या मारक का प्रभाव डालती है, तो सूर्य की दृष्टि शोषक का प्रभाव डालती है, तो चंद्रमा की दृष्टि पोषक का प्रभाव डालती है, बुध की दृष्टि स्थापक का डालती है, तो शुक्र की दृष्टि हर्ष का डालती है, हर्ष हर्ष खुशहाली हैप्पीनेस जॉय फन। बृहस्पति की दृष्टि ग्रोथ का प्रभाव डालती है, तो शनि की दृष्टि बाधक और अवरोधक मानी गई है, तो राहु केतु की दृष्टि यहाँ पे प्रदूषक पॉल्यूशन पॉल्यूटेंट संक्रामक इन्फेक्शियस का प्रभाव डालती है, और यहाँ पे मंगल की दृष्टि ही मारक दृष्टि मानी गई है। हमने तीन प्लैनेट किए, अगर ये स्टोरी में इंटरेस्ट आ रहा हो तो हम ये प्लैनेट पूरे कर लेते हैं, अदरवाइज वी विल गो टू द रूल्स ऑफ द बिगिन ऑफ द नाड़ी। सर केतु का फिर से बतला दीजिए, केतु और राहु को जो है प्रदूषक और संक्रामक यानी कि पॉल्यूटेंट इन्फेक्शियस सब इस टाइप से जो एक उस शब्दावली आएंगी। सर लैंड का कारक, सर लैंड का कारक मंगल है या मर्क्यूरी है, क्योंकि एज पर भृगु नंदी नाड़ी सर मर्क्यूरी है। आएंगे सर मर्क्यूरी पे आएंगे अभी। अच्छा अच्छा ओके सर। सर सूर्य की दृष्टि शोषक मीन्स क्या हुआ सर, शोषक मतलब प्रकार से शोषक पालन पालनहार माना गया, शोषक का जरा अंग्रेजी मतलब ढूंढना पड़ेगा मुझे भी, एग्जैक्टली क्या होगा शोषक का मतलब। सर सूर्य की दृष्टि खराब होगा, नहीं नहीं सूर्य की दृष्टि अच्छा होगा, तो शोषक तो खराब हुआ ना सर, अब्जॉर्बेंट नहीं अच्छा, अब्जॉर्बेंट जो अब्जॉर्ब कर लेता अपने आप को, शोषक अब्जॉर्बेंट सोखने वाला अपने अंदर संभालने वाला, शोषक अब्जॉर्ब करने वाला, शोषक
पोषक क्या होता है जी? अब्सॉर्बेंट का, सोखने वाला, अब्सॉर्बेंट का जो अंग्रेजी में आप उसका मीनिंग फाइंड आउट करेंगे, अब्सॉर्बेंट, द एग्जैक्ट वर्ड इज अब्सॉर्बेंट. सो दिस केतु राहु दृष्टि यू सेड there should be a difference, no, in fact, because Ketu is materialistic going beyond Rahu, and Ketu is uski pranali hum so aap jo hindi words bataye uska kuch english bata sakta hai sir, because pradushak is pollutant, sankramak is infectious. Pollutant means it is polluting the mind, aisa kuch hai, polluting the and you know, everything. Yeah, and infectious materialism, materialism is a pollution, that is for k Okay. You are saying Rahu is a materialistic. The materialism is a pollution and is infectious. One is boasting, one is negating, something like that. Yes. Okay.